परिया रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान अमिताभ ठाकुर ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, अमिताभ ठाकुर की पत्नी ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी सांसद अतुल राय रेप कांड मामले में पीड़िता के बयान पर की गई है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जब से अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायर किया गया है, तब से वो सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रहे हैं। और हाल फिलहाल तो अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मैं नहीं चाहूंगा। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता किसी से भी बात करने का। मऊ के घोसी से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जबरिया रिटायर आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। जबरिया रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अमिताभ ठाकुर ने अपनी गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया। हाल ही में अमिताभ ठाकुर ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है, जिसके बाद से माना जा रहा है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज हो गए थे। साथियों, तमाम सहयोगियों द्वारा अपने इस नए राजनीतिक दल का नाम अधिकार सेना रखा जाना प्रस्तावित है। यदि आप इससे अलग कोई अन्य नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं, साथ ही इस दल के उद्देश्यों, कार्यों, गठन और स्वरूप आदि को लेकर आपके जो भी प्रस्ताव हैं, सुझाव हैं, कृपया उन्हें शीघ्र भेजें, ताकि हम उन्हें समायोजित करते हुए इसके गठन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर सकें। बता दें, पीड़िता ने दिल्ली में आत्मदाह से पहले इस मामले में इंटरनेट मीडिया पर जारी बयान में पूर्व आईपीएस को माफिया मुख्तार अंसारी के इशारे पर बचाने का आरोप लगाते हुए मानसिक शोषण के साथ न्याय से वंचित करने का आरोप लगाया था। बसपा सांसद अतुल राय पर आरोप लगाने वाली पीड़िता के मामले में हुई एसआईटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी हुई है। जो है हत्या कर सकते हैं, ये मेरी हत्या कर सकते हैं, ये मेरी हत्या कर सकते हैं। पीड़िता ने मुख्तार अंसारी की शह पर दुष्कर्म के आरोपी अतुल राय को बचाने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के ऊपर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। जांच में ये सही पाए जाने पर हजरतगंज पुलिस ने पूर्व आईपीएस को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। घोसी से बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली लड़की और दुष्कर्म के मामले में गवाह के नई दिल्ली में आग लगाकर आत्मदाह करने के बाद से जबरिया रिटायर आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई थी। आत्मदाह मामले की जांच करने वाली एसआईटी ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद से उनके घर के बाहर लगातार पुलिस तैनात थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद आज अमिताभ ठाकुर को गोमती नगर में उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया।
उनको दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आज SIT जांच की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। इनके खिलाफ मुख्तार अंसारी की शह पर दुष्कर्म के आरोपी अतुल राय को बचाने के लिए पीड़िता ने आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने बीते दिनों नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया था। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद ACP हजरतगंज राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। पहले जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी अवगत होगा कि FIR लिखा गया है जो एक युवती द्वारा दिल्ली में आत्मदाह किया गया, उस संबंध में एक FIR हजरतगंज कोतवाली में पंजीकृत है, उसी के सिलसिले में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करने के साथ ही बीते कई महीनों से इंटरनेट मीडिया पर एक्टिव जबरिया रिटायर IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने लंबे समय से सरकार के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर बेहद मुखरता जाहिर की। बीते दिनों ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर या फिर कहीं से भी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अब अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद मामला काफी गर्म हो गया है। बता दें, इससे पहले जब अमिताभ ठाकुर को जबरिया रिटायर किया गया तब भी उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार को जमकर कोसा था और अपने घर पर जबरिया रिटायर IPS की नेम प्लेट लगा दी थी। तभी से उनके बगावती सुर सरकार के खिलाफ दिखने लगे थे। अब जब सांसद अतुल राय रेप कांड में अमिताभ ठाकुर का नाम सामने आ गया है तब उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने सरकार पर जमकर आरोपों की बौछार कर दी। नूतन ठाकुर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जब से अमिताभ ठाकुर ने गोरखपुर से CM योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात की है तभी से पुलिस उनको प्रताड़ित कर रही है और आज उनको पुलिस ने जबरन गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद से और गोरखपुर जाने की बात कही, उसके बाद से अनवरत हमारी प्रताड़ना शुरू हो गई। पहले जाने से रोका गया, 2-3 दिन तमाम पुलिस फोर्स हमारे घर के बाहर रखे, नजर बंद रखा, और उसके बाद आज फिर कल गोरखपुर जाने की बात की। आज पहले हमारे घर पे सुबह फिर कई सारे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और दोपहर में तमाम मैं पुलिस फोर्स के साथ आए और ये कहा कि हमारे साथ चलिए। कोई कारण नहीं बताया, कारण पूछने पर स्पष्ट नहीं किया कि क्यों है, केवल इतना कहना था कि हम कह रहे हैं हमारे साथ चलिए। ये पूछने पे कि क्या आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो ये कहा गया हमें पूछताछ करना है और साथ में ये भी कि जिस तरीके से पूछताछ में ये हम लोगों ने कहा कि अगर पूछताछ करनी है आप यहाँ भी कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा और आप चलिए, उस जबरदस्ती घर से खींच के ले आए हैं। खैर, अभी इस मामले में कई मोड़ आने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की गई है और जिस समय उनकी गिरफ्तारी की गई है उसको लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि रेप पीड़िता के बयान के मद्देनजर ये गिरफ्तारी की गई है, तो वहीं अमिताभ ठाकुर की पत्नी ने सरकार पर राजनीति के तहत गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। जो भी हो, अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, Prime TV। ये कोई तरीका नहीं होता किसी से भी बात करने का।
फिलहाल आज के सियासी दंगल में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहें प्राइम टीवी।